नमस्कार, अपना पंजीकृत किरण विराट के बघेली बुलेटिन सोनू के साथ। रीवा जिला में किशोरी के साथ दुष्कर्म के वारदात घटित भई ही। आरोपी लंबे समय से धमकी दे के किशोरी के साथ दुष्कर्म करत रहा। एक साल पहले पीड़िता के शिकायत में पुलिस आरोपी का गिरफ्तार करके सलाखन के पीछे पहुंचा दे रहे। पर आरोपी जेल से छूटे के बाद पुण्य के किशोरी का हवस के शिकार बना डारिस। मामला शाहपुर थाना क्षेत्र का, जहाँ दर्शन खातिर मंदिर पहुंची किशोरी के साथ दुष्कर्म की घटना घटित भई है। पीड़ित के शिकायत में पुलिस आरोपी खटकरी के रहाय वाले अनुराग तिवारी का गिरफ्तार कर ली नमा। रीवा से बाल सुधार गृह में बंद 5 बाल अपचारी फरार हो गए हमा। बतावा जाता है कि गंभीर मामला में बंद बाल अपचारी वह समय रफू चक्कर हो गए जब सुरक्षा गार्ड नहाए चले गए रहे। लौट के आए तक गिनती में बाल अपचारी कम मिले, जेकर जानकारी अधीक्षक का दी। तुम्हें हड़कंप पचगा। सगली घटना सीसीटीवी कैमरा में कैद हुई गई। आई अपना का सुनाए थे बाल सुधार गृह के चौकीदार पूरी घटना का लेके का कहीं नमा। यहाँ एक ही गार्ड था, 5 लड़के भागने वाले थे, तो इसकी सूचना क्या देनी चाहिए थी? लेकिन मेरे को छुट्टी में अभी चार्ज लिया, इसलिए मुझे ज्यादा आइडिया नहीं। आपकी तबीयत ठीक है? दिक्कत है क्या? शुगर का पेशेंट हूँ, इसलिए तो दवाई खानी गया था। आज एक अपचारी बालक को सिवनी लेके जाना था, इसके लिए सुप्रिंटेंडेंट ने जो है व्यवस्था बनाई थी और उनको ले जाने के लिए बल की मांग की गई थी, लेकिन जो अपचारी को जाना था वो अपने अन्य 4 साथियों के साथ किचन का अंदर घुस करके किचन के पीछे वाली खिड़की को तोड़ करके और वहाँ से एक एक करके नीचे भाग गए। जैसी जानकारी वहाँ पे व्यवस्था देखने वाले बाल संरक्षण को पता चली, उन्होंने पुलिस को सूचना दी है। पुलिस ने जो है उनके तलाश का काम कर रही है, अभी उनकी तलाश जारी है। सर, पूरा घटनाक्रम किचन में लगे सीसीटीवी कैमरे में दिखाई दिया? हाँ, कैमरे में ये जानकारी कह रहे, लेकिन ये तो है ही स्पष्ट कि वो सब लोग चले गए हैं। बाकी बच्चे जो उसको किचन में साथ में थे, वो उनके डर के मारे उनने अपने वहाँ पर संरक्षण करके व्यवस्थापक और उन्हें व्यवस्था देखने वाले को नहीं बताया, तो वो बच्चे चले गए, तब उन्हें उसको सूचना दी। स्वास्थ्य के क्षेत्र में रीवा जिला आगे बढ़त लाघव है। कई बीमारियों के ऐसा उपचार केंद्र जात लाघव है, जेकर अभी तक इलाज संभव नहीं रहा। ऐसा एक बीमारी के इलाज प्राइवेट नर्सिंग होम में कीन का है, जेका डॉक्टर अखिलेश पटेल और उनके टीम के द्वारा कीन का है। यह उपचार मिनरवा अस्पताल में एक महिला जिनके पैर में वेरिकोस वीन की समस्या रही, जैसे बहुत दिना से परेशान रही। सामान्य तरीका में यह समस्या के इलाज पूर्व के नस का पूरे तरीका से निकाल के कीन जाता है, पर आधुनिक तरीका में लेजर से बिना चीर फाड़ के इलाज कीन गा है। हाँ, लाइट आ गई सर। पीछे मत ले, ये गायर आपका ठीक है। हाँ, रीवा नगर निगम क्षेत्र में आबे वाले वार्ड 5 में जनता का गंदा और बदबूदार पानी पिए का परत लाघव है। अपना का बताए दे, 4-5 दिना से वार्ड 5 में गंदा पानी सप्लाई हो रहा है। वैसने का नगर निगम प्रशासन अमला सगले वार्ड में मीठ पानी सप्लाई करे के बात करत हम पे अपना वीडियो में साफ देख सके थे कि कौन मेर की जनता का गंदा पानी पिए का परत लाघव है। पानी पीने लायक नहीं सर, भूखा पानी पी के बीमार हो गया आदमी, क्या करे सर। देखिए, 3 दिन से पानी बिल्कुल गंदा आ रहा है, 3 दिन से पानी गंदा आ रहा है। ये मतलब था चलो पानी बरस रहा है तो चलो ठीक है, पानी बरसने में तो पानी हिल जाता है तो इसलिए गंदा आ रहा। अब बताइए, 3 दिन से पानी बंद है, अब बताइए मटमैला पूरा प्योर फूटी की तरह पानी आ रहा, पीला पीला पूरा है, पूरा माटी भाग दिया जा रहा है। बताइए, हम लोग मर जाएंगे। बताइए, 2 बाल्टी पानी के लिए हम तरस रहे हैं, पानी है बिल्कुल गंदा पानी है।
बिल्कुल निछट पानी है, बताइए हम लोग क्या करें? पीने योग्य नहीं, पीने योग्य नहीं है बिल्कुल। हम 50 बाल्टी अभी फेंक चुके पानी, पानी एक भी सही नहीं आ रहा है। यदिना महिला अपराधन में आए दिना बढ़ोतरी हो रही है। शासन प्रशासन महिलन का सुरक्षा दे की वादा करत हवा पे जौन मेयर के घरेलू हिंसा बढ़त लाग हवे, ऐसने में स्पष्ट हो जात हवे कि महिला घरे और बहिरे कहाँ सुरक्षित नहीं आई। बढ़ रहे मामला का निपटावे के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन के द्वारा महिला परामर्श केंद्र संचालित किन गए। आई अपना का सुनाई थे आयोजित कार्यक्रम के संबंध में महिला थाना प्रभारी निशा मिश्रा का कहिन। पारिवारिक प्रकरणों में जो विवाद हैं उनमें 12 प्रकरण रखे गए हैं, 12 परिवारों को बुलाया गया है जिनमें लगभग 5 प्रकरण को सुन लिया गया है, जिनमें 2 परिवारों का राजी खुशी से आपसी सहमति से समझौता हो रहा है और बाकी प्रकरण अभी सुनवाई में। आज खातिर इतना, बघेली में बिंद के समाचार देखे खातिर बने रही विराट के साथ, नमस्कार।